हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब बहुत ही अच्छे से अपने परिवार के साथ होंगे और मेरी कहानी सुनकर तो और ज्यादा खुश होने वाले हैं। आज की कहानी का नाम है जीवन की सबसे बड़ी सीख। एक बार की बात है, एक बार एक बहुत ही बड़ा काफिला यात्रा कर रहा था और काफी आगे चलते चलते उस काफिले को क्या नजर आया कि उनको सामने एक बहुत ही अंधेरी और लंबी सुरंग नजर आई। उनको सुरंग के अंदर से ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना था। धीरे धीरे काफिला अंदर बढ़ने लगा और सुरंग में जैसे ही वो घुसने लगे, वहां पे लोगों को क्या महसूस हुआ कि उनके पैरों में कुछ कंकर जैसी चीज चुभ रही है। वो बहुत ही ज्यादा परेशानी का महसूस करने लगे, तकलीफ होने लगी। फिर कुछ लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम चलते चलते इनको उठा लें, ताकि हमारे बाद जो भी लोग आ रहे हैं उनको तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो। और उन लोगों ने बहुत ही ज्यादा जो उनके पैरों में चुभ रही थी, कंकर के समान उनको लग रही थी, उसको वो उठाते चले गए। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सोचा कि थोड़े बहुत चलो हम भी उठा लेते हैं। और उस काफिले में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सोचा कि हमें भी तो तकलीफ हुई है, पीछे आने वाले लोग बाद में अपना देखेंगे, हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने वहां से एक भी नहीं उठाया। धीरे धीरे करके काफिला सुरंग के बाहर आया और बाहर आते उन्होंने क्या देखा कि जो उनको कंकर लग रहे थे वो कंकर नहीं बल्कि कीमती हीरे निकले। तो इस तरह से जिन लोगों ने बहुत ही ज्यादा उठाए थे वो अब मालामाल हो चुके थे, बहुत ही ज्यादा खुश हो चुके थे। और जिन लोगों ने थोड़े बहुत उठाए थे उनके मन में पश्चाताप होने लगा कि काश हम भी बहुत ही ज्यादा उठा लेते। और उस काफिले में जैसा कि मैंने पहले बताया कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कुछ भी नहीं उठाया था, उनको तो बहुत ही ज्यादा पश्चाताप हुआ और वो सर पकड़कर वहीं बैठ गए। लेकिन अब पछताने से क्या होगा? किसी ने ठीक ही कहा है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब उन व्यक्तियों के पछताने से कोई लाभ नहीं है। तो देखा बच्चों और दोस्तों, हमारा जो जीवन है, या यूं कहें हमारी दुनिया भी ठीक उसी सुरंग के समान है। और हमारी दुनिया की जो सुरंग है उसमें जो कंकर रूपी पुण्य है वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जो लोग पुण्य करते हैं उनको अंत में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर मिलेगा। और जो लोग ऐसा सोचते हैं, हम क्यों दूसरों की समस्याओं पर ध्यान दें, हम क्यों दूसरों की तकलीफों को देखें, उनको बाद में तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप हमेशा याद रखें, पुण्य का बहुत ही ज्यादा महत्व है। अब मैं ये आप पर छोड़ती हूं कि आपको पुण्य ज्यादा कमाने हैं या पाप ज्यादा कमाने हैं। खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरी कहानियां सुनते रहें। और हाँ दोस्तों, अगर मेरी कहानियां आपको अच्छी लगती हैं तो एक लाइक तो बनता है। और अगर आपका कमेंट करने का भी मन करता है तो जरूर कमेंट करें। मेरे YouTube चैनल पर आप कहानियां देख सकते हैं, पुरानी कहानियां देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। और यहां तो मैं आपको हमेशा भेजती ही रहती हूँ। खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरे साथ बने रहें। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।